नमस्कार। सिंह राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि सिंह राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह अगले 20-25 दिनों में तो खास हैं ही, खास तौर से 40 दिन के लिए लगातार राहु मंगल का अंगारक योग सिंह राशि के लिए जो आ रहा है ये क्या क्या कष्ट दे सकता है या कौन कौन सा ग्रह आपके लिए उपलब्धि कारक है। कष्ट की बात सुनना नहीं चाहता कोई, क्योंकि कष्ट क्योंकि कष्ट देता है इसलिए सुनना अच्छा नहीं लगता। फिर भी कई बार मनुष्य वीडियो के माध्यम से ही सही सुन करके कम से कम अपने बचाव का रास्ता तो ढूंढ ही लेता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। और अगर ऐसी बात कहीं सुननी पड़ जाए तो कम से कम ये समझो भगवान की कृपा हुई है, उन्होंने हमें अच्छे मार्ग को दिखाने की कोशिश की है। हम आपसे कोई धन राशि या फीस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बात बता रहे हैं। और आपके भले के लिए मघा नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की, जिनकी सिंह राशि है, सिर्फ वो ही सुने और किसी के लिए सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनका सिंह लग्न है वो भी इसको श्रवण कर सकते हैं, लेकिन मुझे कमेंट करके ये ना कहें कैसे देखें, राशि से देखें, ऐसे देखें। तो जो लोग जिनको ज्ञान नहीं है, बेसिक ज्ञान, वो हमारी बात श्रवण करें। सिंह लग्न के लिए भी अगले 40 दिन तक राहु मंगल का अंगारक योग कष्टकारक रहेगा, लेकिन मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा कि मैं किस तरह से ज्योतिष के प्रिडिक्शन करता हूं। 80% लोग मेरे दर्शक ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, मुझे मालूम है, फोन भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। मेरा ज्योतिष का चैनल बड़े बड़े अधिकारी, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, विदेश में रह रहे उद्योगपति और भारत में रह रहे आईटी प्रोफेशनल, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, मैं उनको सबको सिंह राशि सिंह लगन वालों को बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। और आने जो ये नया संवत्सर आया है, संवत 2081, ये आपके लिए बहुत शुभ और उपलब्धियों से भरा हुआ हो, ये शुभकामनाएं भी देता हूं। और खास तौर से आपके लिए नए नए समीकरण अभी जो बन रहे हैं उनकी सूचना भी दे रहा हूं। देखिए 23 तारीख को आपकी राशि का स्वामी सूर्य देव उच्च राशि में उच्चांश में 10 डिग्री पर होगा 23 अप्रैल को। उस समय उसके उच्चांश होने का जो लाभ है वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान में होगा। नया और शुभ समीकरण ये है कि उनके साथ बृहस्पति देव भी होंगे और वो आपके पंचम भाव जो अमृत तत्व ज्ञान के तत्व को बढ़ाता है, आपकी ब्रेन के अंदर शुभत्व प्रदान करता है, गूढ़ विद्याओं को प्राप्त करने की, रहस्य जानने की, सृष्टि के ज्ञान और शास्त्रों के रहस्य जितना अच्छा सिंह लग्न और सिंह राशि वाला समझ सकता है, दूसरे लग्न वाले के पास वो ज्ञान छू भी नहीं पाता। ये सामान्य प्रतिभा के लोग नहीं होते, सिंह लग्न इनकी अद्वितीय प्रतिभा, इनके शौक भी अलग अलग होते हैं। एकांत प्रिय, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी, पर्वतों में रमण करने की इच्छा करने वाले तथा आपके ज्ञान बुद्धि विवेक स्थान का स्वामी बृहस्पति आपके केंद्र में आ रहा है ठीक 1 मई 2024 को। अब हम जो शुभत्व नहीं दे रहा है हम उसकी बात करेंगे। आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर केतु है, उसी को 180 अंश की दृष्टि से कौन देख रहे हैं, राहु और मंगल। जब सप्तम दृष्टि डालते हैं तो आपका धन कुटुंब और वाणी
आपके मुख से सुंदर शब्दों का प्रस्फुटित होना बहुत आवश्यक है। और ये स्थिति आपको ये ध्यान देना है कि मेरे मुखारविंद से कोई शब्द गलत ना निकल जाए, वही शब्द आपके लिए, आपके जॉब के लिए, आपके सम्मान के लिए हानिकारक हो सकता है। अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में जो राजनेता अपने मुख से गलत शब्द का प्रयोग करेंगे, पब्लिक उनको वोट नहीं देगी तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, आपकी कुंडली में पॉजिटिव ग्रहों की स्थिति जन्म के समय अगर है तो इस समय आपकी विजय यात्रा, रथ यात्रा को रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कारण क्या है कि आपके दशम भाव ज्ञान बुद्धि विवेक के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रमोशन, तरक्की तथा पद का लाभ, पद का लाभ अगर नौकरी में है तो इंक्रीमेंट में वृद्धि, या अगर राजनीति में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने भाग्य को आजमा रहे हैं, तो सिंह लगन सिंह राशि के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। कारण क्या है, केतु का नक्षत्र है मघा, और जो भी युवा वर्ग है जो आज की डेट में सम्मान पाना चाहता है उसका सूर्य चंद्र मंगल राहु की महादशा तो जरूर चल रही होगी। और ये दशाएं सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि, जो ज्यादा एज के लोग हैं उनके मार्ग में संघर्ष और परेशानी तनाव जरूर हो सकता है। कारण क्या है कि राहु मंगल का अंगारक योग गोचर के समय 40 दिन तक चलेगा, और 40 दिन का मतलब होता है 1 जून तक। यानी के पॉलिटिक्स में जो व्यक्ति अगर अपना भाग्य अजमा रहा है तो उसको ये राहु मंगल का अंगारक योग इफेक्ट करेगा, और आप खुद महसूस करोगे कि मेरे मुख से कोई अच्छे शब्द नहीं निकले। लेकिन आपकी वाणी को सुधार करने के लिए 1 मई 2024 को जब बृहस्पति देव आपके वाणी, धन, कुटुंब, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आपका बैंक बैलेंस सब कुछ संभालने के लिए आ जाएंगे। बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं वो आपकी वाणी को सुंदर ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता। कारण क्या है, आपकी कुंडली में स्थिर राशि है, स्थिर 3 स्वभाव है राशियों के, चर मतलब टिकाऊ नहीं है, हिलाऊ चलाऊ, टिकती नहीं है वो राशि एक जगह, एक होती है स्थिर, एक होती है द्विस्वभाव, ना इधर और ना उधर, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लेकिन वृषभ राशि, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशि है। केंद्र में आप देखेंगे, केंद्र स्थान में बैठकर सिंह राशि केंद्र में बैठी है, दशम भाव में बृहस्पति और स्थिर राशि में बृहस्पति बैठकर स्थिर राशि को आपकी चतुर्थ भाव में वृश्चिक को देखता है, आपको सुखी बनाने के लिए आया है बृहस्पति। भले ही ठीक 40 दिन तक राहु मंगल का अंगारक योग आपको कष्ट में रखेगा, पैरों में चोट, चक्कर आना, अपमान का भय, सिंह राशि सिंह लगन को यह महसूस होता रहेगा मेरी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है, खुद को इनसिक्योर्ड समझना, मन अच्छा नहीं है, मन में खिन्नता। और राहु मंगल का अंगारक योग अगर आपके द्वितीय भाव में बना है तो किसी के द्वारा बोले गए शब्द आपको आहत करेंगे, आपको आहत नहीं होना और ये महसूस करना है मेरा अपमान नहीं हुआ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग होती है कि मेरा अपमान हुआ है, लेकिन इंटेंशन उस व्यक्ति की नहीं थी कि आपका अपमान किया जाए। ग्रहों के अनुसार आपको लगने लगेगा, ऐसा लगता है ऐसा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है जो आपका अपमान कर सके। कारण क्या है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है और वो राहु की संगति के कारण आप ऐसा सोचने पर मजबूर हो रहे हैं।
क्योंकि राहु काल्पनिक बातें ज्यादा करता है, अशांति और हवा में और अप्रत्याशित और सरप्राइज देने वाले काम राहु के हैं अष्टम भाव में। अचानक आपके घर में अगर जो परंपरागत रूप से जो बीमारी पहले से चलती हुई आई है वो आप बीमारी आपको परेशान करती है उस ड्यूरेशन में जब राहु मंगल का अंगारक योग चल रहा हो। मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, बहुत सोच समझ करके हमें बोलना पड़ता है, किसी के ऊपर बुरा असर ना पड़ जाए ये सोचना हमारी प्राइम ड्यूटी होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं कह सकते लेकिन सांकेतिक भाषा में इशारा करके जरूर बताते हैं। द्वितीय भाव में राहु मंगल का अंगारक योग और अष्टम भाव में राहु का मंगल का अंगारक योग रोग कारक अपमानजनक स्थिति से गुजरने को मजबूर करता है। तो हाउ टू अवॉइड दिस बैड सिचुएशन, यू शुड थिंक अबाउट इट डीपली, गहराई से सोचो। डरना नहीं है, आपकी किस्मत को छीन करके कोई माई का लाल जेब में तो डाल नहीं सकता, किस्मत आपके पास ही रहेगी। बी केयरफुल, और रिस्क वाला काम, चढ़ाई पर चढ़ना, बहुत तेज वाहन चलाना, और ऐसे काम नहीं करना है जो नीति और शास्त्रों के अनुकूल ना हो। डायरेक्ट हम अपने मुखारविंद से ऐसा शब्द नहीं कहना चाहेंगे जिससे कि आपको बुरा लगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।